ये देखिए किले की बाउंड्री के ऊपर तीन बंदर, गांधी जी तीन के बंदर सामने। बैठे हैं गांधी जी के। सही, इसमें तीनों है एकदम। यही है फांसी घर। दोस्तों ये दूर से आपको दिख रहा होगा रोहतासगढ़ किला, और ये छोटा सा जो बना हुआ है इधर, यही है फांसी घर। एक बड़ा फांसी घर इस पहाड़ी के उस कोने पर है, और यहाँ पर बीच में महादेव मंदिर है जो कि किले के साथ बना हुआ था। हम सभी जगह चलेंगे और प्रत्येक हिस्से को दिखाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है रोहतासगढ़ किला, और उसके पिछले गेट से इस प्रकार से जब आएंगे आप यहाँ पर, तो ये रास्ते बने हैं, और ये किनारे आप देख पा रहे होंगे, ये किनारे यहाँ पर और यहाँ पर लाइन से पत्थर गड़े हैं। इस रास्ते को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये रास्ता आपको लेके जाएगा मंदिर के पास जो कि दाहिने घूमेगा, और बाईं तरफ है फांसी घर। ये फांसी घर आपको दिख रहा होगा जो कि एकदम जर्जर और खंडहर हो चुका है। यहाँ पर हम आपको लेके चल रहे हैं। यही है फांसी घर जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इसका ये दरवाज़ा है काफ़ी सकरा, चारों तरफ खिड़कियां हैं, और इसके अंदर फांसी देने के लिए कुछ व्यवस्था रहा होगा, जो भी गड्ढा उड्ढा या कुआं जो भी रहा हो। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी झाड़ियां भर चुकी हैं। इसकी खिड़कियां रेलिंग ग्रिल से बंद था जो कि अब टूट चुका है। रोहतासगढ़ किले के पीछे यह है एक प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर का खंडहर है, अवशेष है ये, और ये इसका निर्माण तभी हुआ था जब रोहतास किले का निर्माण हुआ था। ये शिव मंदिर है, शिवलिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है शिव मंदिर, इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है एक, और इस प्रकार से यहाँ शिवलिंग है जिसपे कभी कभी पूजा उजा किया जाता होगा। काफी प्राचीन मंदिर है, एकदम जर्जर हो चुका है। एक मंदिर इस तरफ भी है और हम चलेंगे उसको भी दिखाएंगे। दोस्तों रोहतासगढ़ किले के पीछे यह है गणेश मंदिर। इसका ये मुख्य द्वार है, इससे आप प्रवेश करेंगे तो इस प्रकार से सीढ़ियां बनी हैं, और सीढ़ियों से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब ये मंदिर का अवशेष है। मंदिर खंडित हो चुका है, यहाँ पूजा पाठ नहीं होता है, और काफ़ी भव्य विशाल मंदिर का निर्माण उस समय हुआ था जब ये किला बन रहा था। यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो मंदिर के पास में ये गोल बरामदा बनाया गया है जिसकी छतें गिर चुकी हैं, और यह मंदिर का मुख्य हिस्सा है जिसमें गणेश की प्रतिमा रखी हुई है। दो प्रतिमाएं हैं और दोनों भगवान गणेश की प्रतिमा लग रही है। ऊपर इस प्रकार से बनावट है, और यहाँ से इस प्रकार से चारों तरफ की बनावट है, इस प्रकार से, और चारों तरफ घना जंगल है। उधर भी चलिए, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ भी फांसी घर है, उसके बाद वापस लौटेंगे। ये छोटा सा गेट बनाया गया है मंदिर में प्रवेश करने के लिए कि आदमी झुककर प्रवेश करे। ये प्राचीन मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था जब
रोहतासगढ़ किले का निर्माण हुआ था। इस तरफ से देखने पर काफ़ी भव्य मंदिर दिख रहा है, बाहर से काफ़ी नक्काशी डिजाइन बनाई गई है इस पर। चारों तरफ एकदम जंगल है और इस खुफिया और ढके हुए प्लेस को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने भारत भूमि ब्लॉग चैनल के माध्यम से, आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं। दोस्तों ये है रोहतासगढ़ किले का दूसरा फांसी घर, काफ़ी जीड़ छीड़ हो चुका है, खंडहर हो चुका है, इसका गेट गिर चुका है। यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह से छोटा सा गेट यहाँ बना है, यहाँ भी रहा होगा और इस पर भी काफ़ी डिज़ाइन बना हुआ है। और इसका जो मुख्य भवन था ये गिर चुका है। यहाँ खंडहर है, पूरा एकदम झाड़ी से घिर गया है, सैनिकों को रहने के लिए ये और यहाँ पे बनाया गया है ये भवन। इस प्रकार से इधर से आने के लिए रास्ता है और ये भवन है जो कि काफ़ी पशु पक्षी को रहने का ये घर बन चुका है, काफ़ी गंदा हो चुका है। ये डायरेक्ट खाई है, ये अंतिम सिरा है इस किले का, दूसरा छोर है। हम उस छोर से हम लोग चले थे, करीब 15 किलोमीटर आए होंगे तो इस छोर पे आ गए। और यहाँ भी इस प्रकार से बनावट है, निगरानी करने के लिए झरोखा बनाया गया है, यहाँ से खड़ा होकर इस एरिया को निगरानी कर सकते थे सैनिक। वो सब वो रास्ते हैं, वहाँ से चढ़ते चढ़ते तो आप इधर इस हिस्से में आ सकते हैं। यहाँ देखो एकदम खड़ी पहाड़ी है, देख रहे हो डायरेक्ट एकदम। ये भी देखिए पूरा खंडहर हो चुका है, हर जगह डिज़ाइन मिलेगा, हर जगह हर पार्ट में। यहाँ भी देखिए, या कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कोहरा बहुत भयंकर है। यहाँ भी इतना बड़ा सा भवन है, आलीशान 3 मंजिला, 40 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ यह किला था। ये पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के संपूर्ण हिस्से को शेर शाह सूरी ने बाउंड्री करवाया था, इस महान किला को बनवाया था। इसकी बनावट देखिए, छोटे छोटे यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं रहने के लिए, छुपने के लिए और अलग अलग हिस्से हैं इस किले के। यहाँ देखिए बैक साइड हम लोग आ गए,